हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th इंग्लिश वुवन वर्ड्स बुक का 6th चैप्टर 6 शॉर्ट स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कंटिनेंट, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 69 से 68 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जितने भी 68 तक के डिफ़िकल्ट या एवरेज वर्ड मीनिंग्स थे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए थे पिछली वीडियो के। तो इस वीडियो में जितना भी मैटर हम आज कवर करेंगे, वो सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग भी मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो वो चेक कर लीजिएगा। हमने पढ़ा था कि ये जो नरेटर है वो लैंडलॉर्ड को बताता है, मिसेस क्रॉफ्ट को बताता है कि मैडम मैं तो मैरिड हूँ, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो तो सुनती ही नहीं है। वो तो कहती हैं कि कोई भी लेडी विजिटर अलाउड नहीं है यहाँ पर, कोई भी लेडी विजिटर नहीं आनी चाहिए। अब आगे क्या बात आती है, दैट माई वाइफ्स नेम वॉज माला। अब आगे नरेटर अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरी वाइफ का नाम जो था वो माला है। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड बाय माई ओल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ। अब आगे वो बताते हैं कि मेरी जो शादी है वो अरेंज करवाई थी मेरे बड़े भैया और भाभी जी ने। आई रिगार्डेड द प्रोपोजिशन विद नाइदर ऑब्जेक्शन नॉर एंथुसियाज्म। अब प्रोपोजिशन का क्या मतलब है, प्रस्ताव होता है। तो इन्होंने जो प्रस्ताव था, ना ही उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाया, ना ही उस पर कोई रोक लगाई, और ना ही उसे खुशी खुशी या जोश से स्वीकार किया था। इट वॉज़ ए ड्यूटी एक्सपेक्टेड ऑफ मी। अब ये एक ड्यूटी थी जो मेरे से एक्सपेक्ट की जा रही थी, एज इट वॉज़ एक्सपेक्टेड ऑफ एवरी मैन। और यही सभी लोगों से एक्सपेक्ट की जाती है कि जब आप 26-27 के आसपास की उम्र के हो जाते हो, तो आपको घर वालों का प्रेशर आने लग जाता है मैरिज के लिए, और आपको फिर मैरिज करनी पड़ती है। तो यही उसकी ड्यूटी थी जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी, और सभी इंसान से, सभी आदमी से एक्सपेक्ट की जाती है। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ स्कूल टीचर इन बेलघाट। अब वो जो लड़की है जिससे मेरी शादी हुई है माला, वो बेलघाट के किसी स्कूल टीचर की एक लड़की है। आई वॉज टोल्ड दैट शी कुड कुक, नॉट एम्ब्रॉयडर, स्केच लैंडस्केप्स एंड रेसाइट पोएम्स बाय टैगोर। अब मुझे ऐसा बताया गया था कि वो खाना बना सकती है बढ़िया, मतलब सबको बांध कर रख सकती है, कढ़ाई बुनाई कर सकती है, और जो टैगोर की पोएम्स हैं उन्हें क्या है, रिपीट कर सकती है बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर में। बट दीज टैलेंट्स कुड नॉट मेक अप फॉर द फैक्ट दैट शी डिड नॉट पोजेस अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, एज सो अ स्ट्रिंग ऑफ मैन हैज रिजेक्टेड हर टू हर फेस। लेकिन इन सब टैलेंट से इस बात को नहीं झुकलाया जा सकता कि काफ़ी लड़कों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और उस रिजेक्शन का कारण क्या था, उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन, यानी कि उसका जो रंग रूप है वो फेयर नहीं था, और इसी वजह से काफ़ी लड़कों ने उसे उसके फेस की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। शी वॉज 27, एन एज वैन हर पेरेंट्स हैड बिगन टू फियर दैट शी वुड नेवर मैरी। अब उसकी एज जो है वो 27 साल की हो चली थी, और तब उसके पेरेंट्स को ऐसे डर लगने लग गया था कि अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो इसकी शादी और नहीं होएगी। एंड सो देवर विलिंग टू शिप देयर ओनली चाइल्ड हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सेव हर फ्रॉम स्पिंस्टरहुड। और इसी वजह से उन्होंने किसी भी तरह अपने बच्चे की शादी करवाना चाहिए, अपनी बच्ची की शादी करवाना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं स्पिंस्टरहुड क्या होता है, अविवाहितपन, यानी कि कहीं अविवाहितपन से ही ना रह जाए, उसका विवाह किसी भी तरह करवाया जाए। फॉर 5 nights वी शेयर्ड अ बेड। अब नरेटर बताते हैं कि लगभग 5 रातों तक हम साथ रहे थे। ईच ऑफ दीज नाइट्स आफ्टर अप्लाइंग कोल्ड क्रीम एंड ब्रेडिंग हर हेयर विच शी टाइड अप एट द एंड विद अ ब्लैक कॉटन स्ट्रिंग शी टर्न फ्रॉम मी एंड वेप्ट। अब 5 रातों तक हम एक ही बेड शेयर करते थे। हर एक रात को वो अपने फेस पर, बॉडी पर कोल्ड क्रीम लगाती थी, और अपने बालों को क्या है, फिर ब्रेडिंग करती थी, यानी कि उसकी चोटी बनाती थी। उसके बाद वो अपने बालों पर एक काले रंग की रबड़ लगा लेती थी, काले रंग की रबड़ लगाकर उसे बांध लेती थी, और फिर क्या होता था, फिर वो मेरी तरफ से पासा पलटकर और वेप्ट, यानी कि रोने लग जाती थी। शी मिस्ड हर पेरेंट्स। वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी, इसलिए वो रोने लग जाती थी। ऑल्दो आई वुड बी लिविंग द कंट्री इन अ फ्यू डेज, कस्टम डिक्टेटेड that she was now a part of my household, and for the next 6 weeks she was to live with my brother and his wife, cooking, cleaning, serving tea and sweets to guests. अब आगे बात आती है कि मुझे तो उस देश को छोड़ना था, भारत को छोड़ के यहाँ आना था, क्योंकि मुझे अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी, लेकिन कस्टम, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनसे मुझे क्या पता चला कि मेरी वाइफ जो है 6 हफ्तों तक हमारे घर से बाहर नहीं जा सकती है। उसे घर में मतलब घर में मेरे भैया भाभी के साथ ही जहाँ रह रहे हैं मेरे भैया भाभी, उसी घर में रहना पड़ेगा, उसी घर का पार्ट बनकर रहना पड़ेगा 6 हफ्ते तक,
और तभी उसे खाना बनाना पड़ेगा, सफाइयाँ भी करनी पड़ेंगी, चाय वगैरह भी बनानी पड़ेगी और गेस्ट को चाय मिठाई भी सर्व करनी पड़ेगी। आई डिड नथिंग टू कंसोल हर, मैंने उसे सांत्वना देने के लिए कुछ भी नहीं किया। आई ले ऑन माई ओन साइड ऑफ द बेड, मैं हमेशा बेड के अपनी ही साइड पर लेटा रहता था, रीडिंग माई गाइड बुक बाय फ्लैश लाइट एंड एंटीसिपेटिंग माई जर्नी। और तभी मैं अपने बेड की साइड पर गाइड बुक को पढ़ता रहता था जो कि मैं लेकर आया था लंदन से, और साथ ही साथ मैं एंटीसिपेट करता रहता था, यानी कि पूर्वानुमान लगाता रहता था मेरी जर्नी का, कि मैं जब फ्लाइट में जाऊंगा तो कैसा होऊंगा, फ्लाइट में मुझे कौन सी सीट मिलेगी, इस तरह का जर्नी को एंटीसिपेट कर रहा था, यानी कि पहले से उसका अनुमान लगा रहा था। एट टाइम्स आई थॉट ऑफ द टाइनी रूम ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल विच हैड बिलोंग टू माई मदर, और तभी मेरे दिमाग में एक और छोटी सी बात आती थी जो कि मेरे रूम के साथ वाला कमरा था, मेरी माँ का कमरा था, वो एक छोटा सा कमरा था। नाउ द रूम वॉज प्रैक्टिकली एम्प्टी, लेकिन इस समय वो रूम जो था वो पूरी तरह से खाली था। द वुडन पैलेट ऑन विच शी वुड वंस स्लेप्ट वॉज पाइल्ड विद ट्रंक्स एंड ओल्ड बेडिंग। अब जो उनका पलंग था, जो उनका वुडन पैलेट था, यानी कि उनकी जिस पर वो सोती थी चटाई वगैरह या फिर बिस्तर वगैरह जिस पर, वो पूरी तरह से खाली पड़ा था और उस पर ट्रंक वगैरह रख दिए गए थे और साथ ही साथ कुछ गलीचे या बिस्तर वगैरह और सामान रख दिया गया था। नियरली सिक्स ईयर्स अगो बिफोर लिविंग फॉर लंदन आई हैड वॉच्ड हर डाई ऑन दैट बेड, लगभग 6 साल पहले की बात है जब मैं लंदन के लिए जा रहा था घर से, या मुझे लंदन के लिए जाना था, तब मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। हैड फाउंड हर प्लेइंग विद हर एक्सक्रीमेंट इन हर फाइनल डेज, और उनके फाइनल डेज चल रहे थे लाइफ के, यानी कि वो अपने लाइफ के अंतिम दिनों में थी। एक्सक्रीमेंट क्या होता है, एक्सक्रीमेंट यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से वो सारा बाहर निकलता है, तो वो भी उनका फाइनल डेज में क्या है, बेड पर ही हो गया था, यानी कि वो खड़ी तक नहीं हो पाती थी। बिफोर यू क्रीमेंटेड हर आई हैड क्लीन्ड ईच ऑफ हर फिंगर नेल्स, अब क्रीमेटेड का क्या मतलब है, अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार करने से पहले मैंने उनके जो नाखून वगैरह थे वो सारे अच्छे से साफ किए विद अ हेयर पिन, एंड देन बिकॉज माई ब्रदर कुड नॉट बियर इट आई हैड अज्यूम्ड द रोल ऑफ द एल्डेस्ट सन। अब मैंने उनके जो नाखून है वो एक हेयर पिन से साफ किए, और उसके बाद मेरे भाई से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था तो मुझे ही बड़े भाई की भूमिका निभाकर और अपनी जो माँ को है मुखाग्नि देनी पड़ी एंड टच्ड द फ्लेम ऑन टू हर टेम्पल, यानी कि उन्हें स्वर्ग में पहुँचाने के लिए टू रिलीज हर टॉर्मेंटेड सोल टू हेवन, यानी कि उनकी भटकती हुई आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए उन्हें जो अंतिम अग्नि है, उनकी जो मुखाग्नि है, वो मैंने ही दी थी बड़ा भाई बनकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई मूव्ड इनटू द रूम इन मिसेस क्रॉफ्ट्स हाउस, अब ये बीच में पास्ट की बात चल रही थी, अब वो वापस प्रेजेंट में आ गया कि अगली ही मॉर्निंग मैं जो है मिसिज क्रॉफ्ट के घर पर रूम में शिफ्ट हो गया था। व्हेन आई अनलॉक द डोर आई सॉ दैट शी वॉज सिटिंग ऑन द पियानो बेंच ऑन द सेम साइड एज द प्रीवियस इवनिंग, और जब मैं उनके घर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मिसिज क्रॉफ्ट जो हैं वो उसी पियानो बेंच पर बैठी हैं जैसे कि कल शाम को बैठी थी। शी वोर द सेम ब्लैक स्कर्ट द सेम स्टार्च वाइट ब्लाउज एंड हैड हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर द सेम वे इन हर लैप, साथ ही साथ उन्होंने सेम ब्लैक स्कर्ट वाइट ब्लाउज शर्ट पहनी हुई थी और उनके जो हाथ थे वो उनकी गोदी में उनकी लैप में बांधे हुए इकट्ठे करके रखे हुए थे उन्होंने। She looked so much the same that I wondered if she would spend the whole night on the bench. और वो इस तरह से बैठी हुई थी, इस तरह से सेम पोजिशन में बैठी थी कि मेरे को तो आश्चर्य होने लग गया कि कहीं इन्होंने पूरी रात बेंच पे बैठे बैठे तो नहीं बिता दी। I put my suitcase upstairs, filled my flask with boiling water in the kitchen and headed off to work. तो उसके बाद मैंने क्या किया कि सूटकेस जो है वो ऊपर पेड़ियों से ऊपर की तरफ ले गया, वहाँ रूम में रखा, फिर जो मेरा फ्लास्क है यानी कि जो मेरा गर्म पानी का या ठंडे पानी का या गर्म ठंडी चीज़ रखने का, लिक्विड रखने का जो भी मेरा बाउल वगैरह कुछ था, बाउल नहीं कह सकते हैं, बॉटल कह सकते हैं इसे, तो जो बॉटल कंटेनर वगैरह था उसमें मैंने गर्म पानी डाला किचन से, और उसके बाद सीधा मैं अपने काम की तरफ चल दिया। दैट इवनिंग व्हेन आई केम होम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी शी वॉज स्टिल देयर, अब उस शाम को जब मैं अपने काम से ऑफिस से यूनिवर्सिटी से वापस आया तो भी मिसिस क्रॉफ्ट जो है वो वहीं बैठी थी। सिट डाउन बॉय शी स्लैप्ड द स्पेस बिसाइड हर, अब उन्होंने स्टूल पर हाथ मारते हुए बोला कि बच्चे यहाँ आकर बैठ जाओ। आई पर्स्ड बिसाइड हर ऑन द बेंच,
तो मैंने क्या किया, वहाँ पर बैठ गया जाकर बेंच पर। आई हैड अ बैग ऑफ ग्रोसरीज विद मी, मोर मिल्क, मोर कॉर्नफ्लेक्स एंड मोर बनानास। फॉर माई इंस्पेक्शन ऑफ द किचन अर्लियर इन द डे हैड रिवील्ड नो स्पेयर पॉट्स, पैंस और कुकिंग यूटेंसिल्स। अब मेरे पास ग्रोसरीज का एक बैग था, एक थैला था, जिसमें कि काफ़ी सारा दूध, कॉर्नफ्लेक्स और बनानास थे, क्योंकि जब मैंने सुबह किचन का इंस्पेक्शन किया था, खोजबीन की थी, तो मुझे पता चला था कि यहाँ पर कोई अलग से पॉट वगैरह या कोई फ्राई पैंस वगैरह या कोई और कुकिंग के यूटेंसिल्स ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। देयर वर ओनली टू सॉस पैंस इन द रेफ्रिजरेटर, बोथ कंटेनिंग सम ऑरेंज ब्रॉथ एंड अ कॉपर केटल ऑन द स्टोव। अब वहाँ पर किचन के अंदर सिर्फ दो सॉस पैन थे रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर, जिनमें क्या था, ऑरेंज ब्रोथ यानी कि ऑरेंज जूस पड़ा था, और एक कॉपर की केटल थी जो कि स्टोव के ऊपर पड़ी थी। गुड इवनिंग मैम, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड चेक द लॉक, आई टोल्ड हर आई हैड। अब मैंने बोला मैडम को कि गुड इवनिंग मैम, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने डोर लॉक चेक किया, तो मैंने कहा हाँ जी मैडम। She was silent, then suddenly she declared with equal measures of disbelief and delight as the night before, there is an American flag on the moon, boy. तो कुछ क्षण के लिए तो वो शांत हो गई थी मिसेस क्रॉफ्ट, लेकिन बाद में अचानक से वो उन्होंने फिर से बोलना स्टार्ट किया, और उसी फुर्ती से या उसी मतलब जैसे पिछली शाम को बता रही थी, उतने ही डिलाइट से, उतने ही डिसबिलीव से, कि अमेरिका का फ्लैग जो है वो मून पर अब लहरा रहा है बच्चे, यानी कि जैसे पिछली इवनिंग को उन्होंने बोला था, वैसे ही आज की इवनिंग को भी ये बताने लग गई थी कि अमेरिका का फ्लैग लहरा रहा है मून पर। यस मैडम, तो मैंने भी जवाब दे दिया कि यस मैडम, अ फ्लैग ऑन द मून, इजंट दैट स्प्लेंडेड। तो मिसेस क्रॉफ्ट बोलती हैं कि चांद पर एक झंडा, वो भी अमेरिका, क्या ये स्प्लेंडेड नहीं है क्या, शानदार नहीं है क्या। आई नोटेड, मैंने सिर हिला दिया हाँ में, रीडिंग व्हाट आई न्यू वॉज कमिंग, यस मैडम। और मेरे दिमाग में तब भी एक ही बात आ रही थी, रीडिंग हम कह सकते हैं कि भयभीत होकर, कि मेरे दिमाग में डर डर के ये बात आ रही थी, और मैंने किसी तरह बोला हाँ जी मैडम, से स्प्लेंडेड। तो मैडम जोर से बोली कि स्प्लेंडेड बोलो। दिस टाइम आई पॉज्ड लुकिंग टू आइदर साइड इन केस एनीवन वर देयर टू ओवरहियर मी, दो आई न्यू परफेक्टली वेल दैट द हाउस वॉज एम्प्टी। अब फिर मैं कुछ क्षण के लिए रुक गया था, उसके बाद मैंने घर में इधर उधर देखा चारों तरफ कि कहीं कोई छुपकर मुझे सुन तो नहीं रहा, हालांकि मेरे को पता था कि घर पूरा का पूरा खाली है, लेकिन फिर भी मैं डर डर के बोल रहा था आई फेल्ट लाइक एन इडियट। और तब मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी, एक इडियट की तरह, बट इट वॉज अ स्मॉल इनफ थिंग टू आस्क, स्प्लेंडेड आई क्राउड आउट। लेकिन ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे मन में चल रही थी, लेकिन फिर मैंने जोर से बोला स्प्लेंडेड। Within days, it became a routine. In the mornings, when I left for library, Mrs. Crott was either hidden away in her bedroom or the other side of the staircase, or she was sitting on her bench. अब काफ़ी दिनों तक यही रूटीन चलता रहा। सुबह जब मैं लाइब्रेरी के लिए निकलता था, तो मिसिज क्रॉफ्ट जो है वो या तो अपने रूम में होती थी, या सीढ़ियों के दूसरी साइड होती थी, या फिर बेंच पर बैठी होती थी पियानो के पास, ऑब्वियस टू माई प्रेजेंस, लिसनिंग टू द न्यूज़ और क्लासिकल म्यूजिक ऑन द रेडियो। और जब मैं उन्हें देखता था मेरी प्रेजेंस में, तब मैं देखता था कि वो या तो न्यूज़ सुन रही होती हैं, या रेडियो को अपने रेडियो में क्लासिकल म्यूजिक सुन रही होती हैं। बट ईच इवनिंग व्हेन आई रिटर्न द सेम थिंग हैपन्ड। लेकिन जब भी मैं शाम को घर आता था, तो एक ही चीज़ होती थी, सेम थिंग होती थी। शी स्लैप्ड द बेंच, ऑर्डर मी टू सिट डाउन, डिक्लेयर्ड दैट देयर वॉज अ फ्लैग ऑन द मून, एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज स्प्लेंडेड। लेकिन शाम वाली जो हमारी दिनचर्या थी, वो तो फिक्स ही हो गई थी। जब भी मैं घर जाता था, वो बेंच पर अपना हाथ थपथपाती थी, यानी कि बोलती थी कि यहाँ आकर बैठो। उसके बाद मैं बैठ जाता था, फिर वो बोलती थी कि चांद पर एक झंडा, वो भी अमेरिका का, क्या ये स्प्लेंडेड नहीं है। मतलब यही बातें रेगुलर चलने लगी थी डेली रूटीन में। आई सैट, इट वॉज स्प्लेंडेड टू, एंड देन वी सैट इन साइलेंस। अब मैं भी बोल देता था कि हाँ जी मैडम, ये तो स्प्लेंडेड है, और फिर हम दोनों चुप हो जाते थे, एक सन्नाटा सा छा जाता था। एज ऑकवर्ड एज इट वॉज एंड as endless as it felt me then, the nightly encounter lasted only about 10 minutes. और फिर मैं बोलता था कि ये स्प्लेंडेड है मैडम, और फिर हम दोनों शांत हो जाते थे, और उसके बाद एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती थी वहाँ पर, यानी कि मतलब बिल्कुल शांति हो जाती थी। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता था, दोनों चुप रहते थे, और लगभग ये शाम का समय जो है 10 मिनट ऐसे ही रहता था। Inevitably she would drift off to sleep. Inevitably यानी कि अब उनके जाने का समय हो जाता था, आवश्यक रूप से उन्हें सोना होता था। ड्रिफ्ट ऑफ यानी कि सोना होता था। हर हेड
फॉलिंग एब्रप्टली टुवर्ड हर चेस्ट। और उनका सिर था वो धीरे धीरे क्या है अपने उनकी चेस्ट की तरफ नीचे की तरफ झुकने लग जाता था, यानी कि उन्हें नींद आने लग जाती थी। लिविंग मी फ्री टू रिटायर टू माई रूम, और तब मैं अपने रूम में जाने के लिए फ्री हो जाता था। बाय देन ऑफकोर्स देयर वॉज नो फ्लैग ऑन द मून, लेकिन तब तक क्या था मून पर अब कोई भी फ्लैग नहीं था। द एस्ट्रोनॉट्स आई हैड रीड ऑन इन द पेपर आई हैड रेड इन द पेपर हैड टेकन इट डाउन बिफोर फ्लाइंग बैक टू अर्थ बट आई डिड नॉट हैव द हर्ट टू टेल हर। अब वो जो फ्लैग था मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो वहाँ से निकलने से पहले उन्होंने फ्लैग जो है मून से उतार लिया था और वापस ले आए थे अर्थ पर, लेकिन ये बात जो है मिसिस क्रॉफ्ट को बताने की मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन माय फर्स्ट वीक्स रेंट वाज ड्यू आई वेंट टू द पियानो इन द पार्लर टू प्लेस माय मनी ऑन द लेज। अब फ्राइडे की मॉर्निंग जब मेरा हमेशा वीकली रेंट देने का टाइम आता था, तो इस बार फ्राइडे आया मैंने रेंट देना था, तो मैं पियानो के पास गया बैठक के अंदर या फिर ड्राइंग रूम के अंदर, और मैंने जो पैसा है वो लेज पर रख दिया वहाँ पर। द पियानो कीज वर डल एंड डिसकलर्ड, अब वो जो पियानो की कीज थी वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी मिट्टी पड़ने की वजह से और डिसकलर्ड हो गई थी, यानी कि अब उसे कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन पियानो वैसा का वैसा पड़ा रहता था। व्हेन आई प्रेस्ड वन इट मेड नो साउंड एट ऑल, और जब मैंने उनमें से एक की को दबाया पियानो की को, तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई। आई हैड पुट एट $1 बिल्स इन एन एनवेलप एंड रिटन मिसिस क्रॉफ्ट्स नेम ऑन द फ्रंट ऑफ इट। अब वो जो $8 थे मैंने एक एक डॉलर के 8 नोट जो थे वो एक एनवेलप में डाले और जो एनवेलप है उस पर नाम लिख दिया मिसिस क्रॉफ्ट का फ्रंट साइड में। आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ लिविंग मनी अनमार्क्ड एंड अनअटेंडेड, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं पैसों को सीधा ऐसे बिना किसी मार्क के छोड़ दूँ या बिना किसी आइडेंटिटी के कहीं पर भी छोड़ दूँ, और ये नेसेसरी था क्योंकि ये मिसिस क्रॉफ्ट को देने थे मैंने, तो उनके नाम पर यह एनवेलप जो है मैंने लिखा। फ्रॉम वेयर आई स्टूड आई कुड सी द प्रोफाइल ऑफ हर टेंट शेप्ड स्कर्ट शी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच लिसनिंग टू द रेडियो, और जहाँ पर मैं खड़ा था ड्राइंग रूम में वहाँ से मुझे मैडम दिखाई दे रही थी, मिसिस क्रॉफ्ट दिखाई दे रही थी, उनकी प्रोफाइल यानी कि उनकी स्कर्ट से दिखाई दे रही थी, और वहाँ से वो बेंच पर बैठी हुई दिख रही थी और वहाँ पर वो रेडियो को सुन रही थी। इट सीम्ड अननेसेसरी टू मेक हर गेट अप एंड वॉक ऑल द वे टू द पियानो, और मुझे ये सही नहीं लगा कि वो इतनी दूर से उठकर और पियानो तक आएंगी, तो फिर मैंने क्या किया आई नेवर सॉ हर वॉकिंग अबाउट एंड अज्यूम्ड फ्रॉम द केन ऑलवेज प्रॉप्ड अगेंस्ट द राउंड टेबल एट हर साइड, और तब मैंने ये ध्यान दिया कि वो कभी भी नहीं चलती हैं और जो केन है जो उनका डंडा है वो हमेशा क्या है राउंड टेबल के साइड में पड़ा रहता है राउंड टेबल के सहारे। दैट शी डिड सो विद डिफिकल्टी, और जिसके बिना वो बहुत ही मुश्किल से चल पाती हैं। व्हेन आई अप्रोच द बेंच शी पियर्ड अप एट मी एंड डिमांडेड, और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा व्हाट इज योर बिजनेस, की भैया तुम्हें क्या चाहिए अब क्या बात है। द रेंट मैडम, तो मैंने बोला कि मैडम जी ये लो आपका रेंट। ऑन द लेज अबव द पियानो कीज, तो मैडम ने बोला कि अरे ये तो पियानो कीज के लेज पर रख दो। आई हैव इट हियर, आई एक्सटेंडेड द एनवेलप टूवर्ड हर बट हर फिंगर्स फोल्डेड टूगेदर इन हर लैप डिड नॉट बज। अब क्या होता है आगे कि बज का मतलब होता है हिलाना, ध्यान रखिएगा कि वो मेरे पास ही था एनवेलप, तो मैंने जो एनवेलप है वो उनकी तरफ बढ़ाया उनके हाथों की तरफ, लेकिन उनकी जो उंगलियां थी वो अभी भी लैप में ही पड़ी थी, यानी कि उनका हाथ उनकी गोदी में ही पड़ा था और डिड नॉट बज, और कोई भी मूवमेंट नहीं की उनके हाथों ने। आई बॉड स्लाइटली एंड लोअर्ड द एनवेलप सो दैट इट हॉवर्ड जस्ट अबाउट हर हैंड्स, और मैंने फिर थोड़ा सा झुककर वो एनवेलप और आगे किया और वो एनवेलप है वो उनके हाथों के आसपास ही कहीं रख दिया। आफ्टर अ मोमेंट शी एक्सेप्टेड एंड नोडेड हर हेड, और कुछ क्षण बाद ही उन्होंने वो एनवेलप है वो एक्सेप्ट कर लिया और अपना सिर हिलाते हुए हाँ में और मतलब वहाँ से उनका अभिवादन कर दिया। दैट नाइट व्हेन आई केम होम शी डिड नॉट स्लैप द बेंच बट आउट ऑफ हैबिट आई सॉ बिसाइड हर एज यूजुअल। अब उस शाम को जब मैं वापस घर गया तो उन्होंने बेंच पर अपना हाथ नहीं मारा था, बेंच पर मुझे बिठाने के लिए अपना हाथ नहीं रखा था, लेकिन मेरी तो आदत बनी हुई थी तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड चेक द लॉक्ड, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने लॉक चेक किया, बट शी मैंशन्ड नथिंग अबाउट द फ्लैग ऑन द मून, लेकिन उन्होंने मून पर जो फ्लैग है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की,
इंस्टीड शी सैड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने क्या बोला कि यार तुम्हारी दयालुता बहुत अच्छी है, तुम बहुत ही काइंड पर्सन हो। आई बैग योर पार्डन मैडम। तो हमारे नरेटर साहब बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो मैडम, मुझे समझ नहीं आया, क्षमा कीजिएगा, क्या बोल रहे हो? सो वेरी काइंड ऑफ यू। तो फिर वो वापस से रिपीट करती हैं कि बहुत ही अच्छे हो बच्चे, तुम बहुत ही दयालु हो। शी वॉज स्टिल होल्डिंग द एनवलप इन हर हैंड्स। और जो एनवलप था ये डोजर्स वाला, वो अभी भी उनके हाथ में ही था। ऑन संडे देयर वॉज अ नॉक ऑन माई डोर। और संडे वाले दिन क्या हुआ फिर, मेरे दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटाया था मेरे दरवाजे पर आकर। एन एल्डरली वुमेन इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, शी वॉज मिसेस क्रॉफ्ट्स डॉटर हेलन। अब ये तीसरा कैरेक्टर आ गया है। पहला कैरेक्टर आया था मिसेस क्रॉफ्ट, दूसरा आया था माला, और तीसरा आया हेलन, जिनके नाम हमें पता चले हैं। टोटल चार कैरेक्टर अभी तक हम पढ़ चुके हैं, चार नहीं छः, क्योंकि नरेटर उसके भैया और भाभी भी हम पढ़ चुके हैं जिनका नाम अभी तक मेंशन नहीं किया गया। तो संडे को मेरे डोर पर नॉक हुआ, और डोर पर कौन था, मिसेस क्रॉफ्ट की बेटी थी जो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, और उनका नाम क्या था, हेलन। शी वॉकड इन टू द रूम एंड लुकड एट ईच ऑफ द वॉल्स एज इफ फॉर साइंस ऑफ चेंज। अब वो रूम के अंदर आई, उन्होंने रूम में सारी तरफ इधर उधर देखा, और वो चेक करने लगी दीवारों को कि वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज तो नहीं है। ग्लैंसिंग एट द शर्ट्स, शर्ट्स को देखा दैट हंग इन द क्लोजेट, जो कि अलमारी में टंगी हुई थी। द नेक टाइज ड्रैप्ड ओवर द डोर नोब, और जो गेट जो डोर था उसका जो गोल सा कुंडा था, यानी कि जो डोर नोब बोल सकते हैं आप, डोर हैंडल होता है जो गोल गोल सा, तो उस डोर नोब पे क्या है, मेरी नेक टाई, यानी कि मेरी जो टाई थी वो ड्रैप्ड ओवर थी, यानी कि टंगी हुई थी किसी तरह से। नाउ द बॉक्स ऑफ द ऑफ कॉर्नफ्लेक्स ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। और जो कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स था वो ड्रॉर की चेस्ट पर पड़ा था, यानी कि ड्रॉर्स में पड़ा था, दराजों पर पड़ा था। द डर्टी बाउल एंड स्पून इन द बेसिन, जो बाउल और स्पून था वो वॉश बेसिन के अंदर था। शी वॉज शॉर्ट एंड थिक वेस्टेड विद क्रॉप्ड सिल्वर हेयर एंड ब्राइट पिंक लिपस्टिक। अब वो जो औरत थी हेलन, वो थोड़ी छोटी थी हाइट में और थोड़ी सी मोटी थी कमर से। उसके अलावा उन्होंने, उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, छोटे छोटे थे, और उन्होंने ब्राइट सी यानी कि चमकीली सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। शी वोर अ स्लीवलेस समर ड्रेस, उन्होंने एक स्लीवलेस यानी कि बिना बाजुओं की समर वाली ड्रेस पहनी हुई थी। अ रो ऑफ वाइट प्लास्टिक बीड्स, उसके अलावा उन्होंने एक वाइट कलर की मोतियों वाली माला पहनी हुई थी। बीड्स क्या होते हैं, मोती या मनके होते हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑन अ चैन दैट हंग लाइक अ स्विंग अगेंस्ट हर चेस्ट, और एक स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा लगाया हुआ था उन्होंने, जिस पर कि एक डोरी चैन लगी हुई थी जो कि उनकी गर्दन से होकर चेस्ट तक जा रही थी। द बैक्स ऑफ हर लेग्स वर मैप्ड विद डार्क ब्लू वेन्स एंड हर अपर आर्म्स सैक्ड लाइक द फ्लैश ऑफ अ रोस्टेड एग प्लांट। तो उनके जो लेग थी, लेग की बैक साइड जो थी वो कैसी थी, उन पर डार्क ब्लू कलर की वेन्स दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर वर्ड ये यूज हुआ है मैप्ड, तो इसका क्या मेन मीनिंग आता है यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे एक मैप होता है उसमें आप रिवर्स को शो करते हो, तो रिवर्स को आप ब्लू कलर से हाईलाइट करते हुए शो करते हो, तो उसी तरह वो मैप के अंदर रिवर्स दिखाई देती हैं ब्लू कलर में, उसी तरह इनकी लेग पर वो जो वीन्स थी, इनकी जो नसें थी, वो सारी नाड़ियाँ ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई नदी बह रही हो यहाँ से। और उनकी जो ऊपर की आर्म्स थी, बाजुएं थी, वो कैसी दिखाई दे रही थी, रोस्टेड एग प्लांट की तरह, यानी कि भुना हुआ जो बैंगन होता है ना, उसका जो ऊपर वाला कर्व होता है उसकी तरह दिखाई दे रही थी। शी टोल्ड मी शी लिव्ड इन आर्लिंगटन, और उन्होंने मुझे बताया कि वो आर्लिंगटन में रहती हैं, जो कि एक टाउन है मासाचुसेट्स एवेन्यू के थोड़ी ही आगे का टाउन है। आई कैम वंस अ वीक टू ब्रिंग मदर ग्रोसरीज, अब उन्होंने बताया कि मैं हफ्ते में एक बार आती हूँ अपनी मम्मी को ग्रोसरीज देने के लिए। है शी सेंट यू पैकिंग येट, तो क्या उन्होंने तुम्हें सामान दिया अभी तक। इट इज़ वेरी वेल मैम, तो मैंने जवाब दे दिया, नरेटर कहते हैं कि मैंने जवाब दे दिया, हाँ जी मुझे मिल गया। सम ऑफ द बॉयज रन स्क्रीमिंग बट आई थिंक शी लाइक्स यू, अब हेलन मैडम बताती हैं कि काफ़ी लड़के जो हैं वो यहाँ से भाग जाते थे क्योंकि मेरी माँ को वो पसंद नहीं आते थे, लेकिन मेरी माँ को शायद तुम अच्छे लगे हो। यू आर द फर्स्ट बॉर्डर शी इज़ एवर रेफर्ड टू एज अ जेंटलमैन, और तुम शायद पहले ही ऐसे बॉर्डर हो गए, तुम शायद पहले ही ऐसे आवासी हो गए जिसे कि मेरी माँ ने पसंद किया है और जिसे वो जेंटलमैन समझती हैं। नॉट एट ऑल मैम,
तो ये भी हमारे नरेटर साहब हैं, ये थोड़ा सा शर्माते हुए बोले कि नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। शी लुकड एट मी नोटिसिंग माई बेयर फीट, और उन्होंने मुझे देखा अच्छे से और उन्होंने क्या चेक किया कि मेरे जो पाँव है वो नंगे थे। आई स्टिल फेल्ट स्ट्रेंज वियरिंग शूज इनडोर्स एंड ऑलवेज रिमूव देम बिफोर एंटरिंग माई रूम। और आगे रीज़न बताते हैं कि जब भी मैं रूम में एंटर करता हूँ, घर में होता हूँ, तो मुझे शूज़ पहनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रूम में एंटर होने से पहले उन्हें उतार देता हूँ। आर यू न्यू टू बोस्टन? तो हेलन मैडम पूछती हैं कि क्या तुम बोस्टन में नए हो? न्यू टू अमेरिका मैडम। तो नरेटर कहते हैं कि बोस्टन छोड़िए मैडम, मैं तो अमेरिका में भी नया हूँ। फ्रॉम? तो मैडम पूछती हैं कि कहाँ से। शी रेज हर आईब्रोज, मतलब ये बात वो पूछती हैं कि मतलब आईब्रोज ऊपर करते हुए ये बात पूछती हैं कि कहाँ से हो भाई। आई एम फ्रॉम कैलकटा इंडिया। तो हमारे नरेटर साहब बोलते हैं कि मैं कैलकटा इंडिया से हूँ। इज दैट राइट? वी हैड अ ब्राज़ीलियन फेलो अबाउट अ ईयर अगो, यू विल फाइंड कैम्ब्रिज अ वेरी इंटरनेशनल सिटी। तो अब ये हेलन मैडम है, ये अपनी ही सिटी की तारीफ करने लग जाती हैं कि एक साल पहले यहाँ पर एक ब्राज़ीलियन लड़का रहता था, और ये देखो इससे क्या पता लगता है कि देश के अलग अलग प्रांत से लोग कैम्ब्रिज में रहने आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेशनल सिटी है। आई नोडेड एंड बिगन टू वंडर हाउ लॉन्ग आर कन्वर्सेशन वुड लास्ट। अब मैंने हाँ में तो सिर हिला दिया, लेकिन मेरे को दिमाग में यही बात घूम रही थी कि यार ये कन्वर्सेशन कब ख़त्म होएगी। बट एट दैट मोमेंट वी हर्ड मिसेस क्रॉफ्ट इलेक्ट्रीफाइंग वॉइस राइजिंग अप द स्टेयर्स। और तभी उसी क्षण हमने क्या सुना, मिसिस क्रॉफ्ट की आवाज़ सुनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आवाज़ आ रही थी। When we stepped into the hallway, we heard her hollering। और जब हम नीचे की तरफ मतलब सीढ़ियों की तरफ बढ़े, तो हमने क्या सुना कि मतलब हाफवे में ही जाकर हमने हॉलवे में जाकर हमने सुना कि वो क्या है, चिल्ला रही हैं काफ़ी ज़्यादा, हॉलरिंग कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। यू आर टू कम डाउन स्टेयर्स इमिडिएटली। तो मिसिज क्रॉफ्ट ने क्या कहा कि तुम्हें अभी सीढ़ियों से नीचे आना पड़ेगा, जल्दी आओ। वट इज़ इट? हेलन हॉलर्ड बैक। तो हेलन भी गुस्से में पूछती है कि ये क्या है माँ? इमिडिएटली, ये कौन बोलता है? मिसिज क्रॉट बोलती है कि नहीं, तुम अभी आओ, नीचे आओ। आई पुट ऑन माई शूज एट वंस, हेलन साइड। और तभी नरेटर बताते हैं कि मैंने फटाफट अपने जूते पहने और हेलन ने इतने में सांस ली अपनी। वी वॉक डाउन द स्टेयर केस, और तब हम दोनों नीचे की तरफ जाने लगे। इट वॉज टू नैरो फॉर अस टू डिसेंट साइड बाई साइड, सो आई फॉलोड हेलन who seemed to be in no hurry and complained at one point that she had a back knee, bad knee। अब आगे क्या होता है कि सीढ़ियाँ हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं, पतली थी, तो हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने हेलन मैडम को फॉलो किया और वो काफ़ी तेज़ी में नहीं जा रही थी, हरी में नहीं जा रही थी। और क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्हें क्या है, उनके जो जोड़ों में है काफ़ी दर्द रहता है, जोड़ों के एक पॉइंट में दर्द रहता है नी के, इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकती हैं। हैव यू बीन वॉकिंग विदाउट योर केन? तो हेलन जोर से चिल्लाती है कि क्या माँ अपनी छड़ी के बिना चल रही थी? हेलन कॉल्ड आउट, यू नो यू आर नॉट सपोज टू वॉक विदाउट दैट केन। और तभी हेलन जोर से चिल्लाती है कि आपको पता है कि आप केन के बिना, आप छड़ी के बिना नहीं चल सकते हैं, आपको कहा गया कि छड़ी के साथ ही चलना है। शी पॉज्ड रेस्टिंग हर हैंड ऑन द बेनिस्टर। और तभी क्या है, वो अपना हाथ किस तरफ, रेलिंग की तरफ रखते हुए बोलती हैं, एंड लुक बैक एट मी, शी स्लिप्स समटाइम्स। और वो बेनिस्टर पर यानी कि रेलिंग पर अपना हाथ रखते हुए पीछे की तरफ देखती हैं और वो बताती हैं कि वो कई बार गिर जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं चलते चलते। फॉर द फर्स्ट टाइम मिसिज क्रॉफ्ट सीम्ड वल्नरेबल। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मिसिज क्रॉफ्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सी दिखाई दे रही हैं। आई पिक्चर्ड हर ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ बेंच, फ्लैट ऑन हर बैक, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, हर फीट पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब तब पहली बार मैंने अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर्स ही बनाई कि मिसिज हेलन जो है वो गिरी हुई हैं, उनका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, छत की तरफ है, और उनकी टांगे जो है वो दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो ज़मीन पर नीचे की तरफ गिरी पड़ी हैं। बट वैन वी रीच द बॉटम ऑफ द स्टेयर केस, शी वॉज सिटिंग देयर एज यूजल। लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो हमने क्या देखा कि मिसेज क्रॉफ्ट तो हैं वो तो वैसी की वहीं बैठी हैं, हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप, उनके जो हाथ हैं वो भी उनकी लैप में ही रखे हुए हैं। टू ग्रोसरी बैग्स वर एट हर फीट, और दो ग्रोसरी के बैग थे वो उनके पैरों के पास रखे हुए थे। व्हेन वी स्टूड बिफोर हर शी डिड नॉट स्लैप द बेंच,
और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बेंच पर स्लैप नहीं किया, यानी कि बैठने के लिए नहीं कहा, और आस्क अस टू सिट डाउन शी ग्लेयर्ड, और हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा, और लेकिन हमें क्या है, घूरती रही वो गुस्से से। व्हाट इज इट मदर, तो हेलन पूछती है कि ये क्या है माँ। इट्स इम्प्रॉपर, तो मिसेस क्रॉट बोलती है कि ये सही नहीं है। व्हाट्स इम्प्रॉपर, मिस हेलन पूछती है कि क्या सही नहीं है। इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर अ लेडी एंड जेंटलमैन हु आर नॉट मैरिड टू वन अनदर टू होल्ड अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट अ चैपरॉन। तो मिसेस क्रॉट बोलती है कि ये बात सही नहीं है कि एक लड़की और एक लड़का जो कि शादीशुदा नहीं है वो इस तरह बिना चैपरॉन के प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। चैपरॉन क्या होता है, चैपरॉन होता है जो कुंवारी लड़की होती है उसकी जो चौकसी करने के लिए, यानी कि उसकी देख रेख करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए जो स्त्री होती है वो चैपरॉन होती है। तो यानी कि कह रही हैं मिसेस क्रॉफ्ट कह रही हैं कि तुम्हें चैपरॉन के बिना, तुम्हें एक लेडी के बिना किसी और बंदे से प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए। हेलन सैड शी वॉज 68 ईयर्स ओल्ड। हेलन बोलती है कि माँ मैं 68 साल की हो चुकी हूँ, ओल्ड इनफ टू बी माई मदर। और वो कहती नरेटर बोलता है कि और उन्होंने जैसे एज बताई तब ऐसा भी फील करवाया कि लगभग वो मेरी माँ की ही उम्र की हैं। कौन, हेलन। बट मिसेस क्रॉफ्ट इंसिस्टेड दैट हेलन एंड आई स्पीक टू ईच अदर डाउनस्टेयर्स इन द पार्लर। लेकिन मिसेस क्रॉफ्ट ने बोला कि नहीं हेलन, तुम्हें और जो नरेटर है उसे क्या है, नीचे सीढ़ियों में आकर पार्लर में यानी कि बैठक में आकर बातें करनी चाहिए, ऊपर नहीं करनी चाहिए। शी एडेड दैट इट वॉज ऑल्सो इम्प्रॉपर फॉर अ लेडी ऑफ हेलन स्टेशन टू रिवील हर एज। और उन्होंने मिसेस क्रॉफ्ट ने साथ ही साथ ये भी बात बोली कि हेलन जैसी एज की लड़की को, लेडी को, अपनी जो एज है वो नहीं रिवील करनी चाहिए इस तरह, एंड टू वियर अ ड्रेस सो हाई अबव द एंकल। और इस तरह की ड्रेस जो मतलब एंकल से गिट्टे से ऊपर की तरफ है वो ड्रेस भी नहीं पहननी चाहिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मदर, इट्स 1969, वट वुड यू डू इफ यू एक्चुअली लेफ्ट द हाउस वन डे एंड सॉ अ गर्ल इन अ मिनी स्कर्ट। तो वो मतलब हेलन बोलती हैं कि माँ आप किस तरह की बात कर रही हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1969 चल रहा है, और अगर मान लो सच में कहीं किसी दिन आप घर से बाहर निकली और तब कोई लड़की जो है मिनी स्कर्ट में आपके सामने आ गई, तब क्या करोगी आप। मिसेस क्रॉफ्ट स्निफ्ड, आई वुड हैव हर अरेस्टेड। तो मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं वो मतलब ऐसे नाक चढ़ाते हुए ऊपर की तरफ स्निफ करते हुए बोलती हैं कि मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगी। हेलन शुक हर हैंड एंड पिक्ड अप वन ऑफ द ग्रोसरी बैग्स। अब हेलन ने फिर उनका हाथ जो है मिलाया छुड़ाया जो भी किया, और उसके बाद एक ग्रोसरी बैग उठाया। आई पिक द अदर वन एंड फॉलोड हर थ्रू द पार्लर एंड इन टू द किचन। और मैंने दूसरा बैग उठाया, नरेटर ये बोलते हैं, और फिर पार्लर से होते हुए हम किचन की तरफ चले गए। द बैग्स आर फिल्ड विद कैंस ऑफ सूप विच हेलन ओपन्ड अप वन बाय वन विद अ फ्यू क्रैंक्स ऑफ अ कैन ओपनर। अब जब हम पार्लर में गए तो हमने देखा कि उनमें क्या था, सूप के कैन थे काफ़ी सारे। हेलन ने एक एक करके उनको खोला और फिर क्या है कैन ओपनर से उन्हें खोला अच्छे से। शी टॉस द ओल्ड सूप इन द सॉस पैंस इन टू द सिंक। और जो सॉस पैंस में पुराना सूप या जूस पड़ा था कुछ भी, वो उन्होंने सिंक में पलट दिया सीधा। रिंस द पैंस अंडर द टैप। और जो पैन थे उन्हें क्या है टूटी के नीचे रख दिया और उन्हें फिर थोड़ा धोने लग गई, रेंज करने लग गई। फिल देम विद द सूप फ्रॉम द न्यूली ओपन्ड कैंस। और जो फिर फ्राई पैंस या फिर सॉस पैंस थे उन्हें नए सूप के जो कैंस थे उनसे भर दिया। एंड पुट देम बैक इन द रेफ्रिजरेटर। और फिर उन पैंस को वापस फ्रिज में रख दिया। अ फ्यू ईयर्स अगो शी कुड स्टिल ओपन इन द कैंस हरसेल्फ, हेलन सैड। अब हेलन बोलती हैं कि कुछ साल पहले तो क्या है मेरी माँ खुद से ही अपने कैन खोल लेती थी। शी हेट्स दैट आई डू इट फॉर हर नाउ। और अब उन्हें गुस्सा आता है कि मैं उनके लिए ये सब करती हूँ। बट द पियानो किल्ड हर हैंड्स। लेकिन उस पियानो की वजह से उनके पूरे हाथ खराब हो गए। शी पुट ऑन हर स्पेक्टेकल्स ग्लैंस्ड एट द कबर्ड्स एंड स्पॉटेड माई टी बैग्स शैल वी हैव अ कप। अब आगे क्या होता है, हेलन अपने चश्मा पहनती है, फिर कबर्ड की तरफ देखती है, खानों की तरफ, अलमारी की तरफ, और उनमें मेरे टी बैग्स को देख के वो बोलती है कि क्या हम एक एक कप चाय पी सकते हैं। आई फिल्ड द कैटल ऑन द स्टोव। तो मैंने जो स्टोव पर कैटल रखी थी उसे पूरा भर दिया। आई बैग योर पार्डन मैडम द पियानो। और फिर वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आई बात मैडम, पियानो कैसे उनके हाथ। शी यूज टू गिव लेसन्स फॉर 40 ईयर्स। इट वॉज हाउ शी रेज्ड अस आफ्टर माई फादर डाइड।
तो हेलन बताती हैं कि वो पियानो के लेसन्स दिया करती थी लगभग 40 साल तक, और उन्होंने हमें इसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया है जब हमारे फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद। हेलन पुट हर हैंड्स ऑन हर हिप्स स्टेयरिंग एट द ओपन रेफ्रिजरेटर, और हेलन अपने हिप्स पर हाथ रखते हुए रेफ्रिजरेटर खुला जो था उसकी तरफ देखने लग जाती हैं। शी रीच्ड इनटू द बैग, पुल्ड आउट अ रैप्ड स्टिक ऑफ बटर फ्रंट एंड टॉस्ड इट इनटू द गार्बेज। अब फिर वो क्या करती हैं, अपने हाथ शी रीज इनटू द बैग, ओके वो पीछे की तरफ जाती हैं बैकयार्ड की तरफ, और वहाँ पर जो बटर की स्टिक्स पड़ी होती हैं रैप करके उन्हें खोलती हैं गुस्से में एकदम से, और फिर उन्हें गार्बेज में सीधा फेंक देती हैं, उल्टा देती हैं। दैट ओट टू डू इट शी सेड एंड पुट द अनओपन कैंस ऑफ सूप इन द कबर्ड, और वो कहती हैं कि इसको खाली करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और जो बिना खोले हुए कैंस हैं उन्हें क्या है कबर्ड में रख देना चाहिए। आई सेट एट द टेबल एंड वॉच्ड एज हेलन वॉच द डर्टी डिशेज, और मैंने फिर वहाँ पर टेबल पर बैठकर देखा हेलन जो है वो बर्तन साफ कर रही थी, टाइड अप द गार्बेज बैग, फिर उसने गार्बेज वाला जो कचरे वाला कूड़े कचरे वाला बैग था उसे भी बांधा, वाटर द स्पाइडर प्लांट ओवर द सिंक, और जो सिंक के ऊपर जो एक वाटर स्पाइडर बना हुआ था उसे भी पानी से साफ किया, एंड पॉट बॉइलिंग वाटर इंटू टू कप्स, और दो कप्स में क्या है गर्म पानी डालकर ले आई। शी हैंडेड वन टू मी विदाउट मिल्क, और उन्होंने एक तो मुझे थमा दिया बिना दूध के। द स्ट्रिंग ऑफ द टी बैग ट्रेलिंग ओवर द साइड एंड सेट डाउन एट द टेबल, अब वो एक तरफ दूसरे टेबल पर बैठ गई, और जो मेरा कप था उसमें टी बैग जो था वो थोड़ा बाहर की तरफ ट्रेल कर रहा था, यानी कि बाहर की तरफ वो लटक रहा था थोड़ा बहुत। एक्सक्यूज मी मैडम बट इज इट इनफ, तो वो बोलता है कि मैडम इतना इनफ होगा। हेलन टुक अ सिप ऑफ हर टी, हर लिपस्टिक लेफ्ट स्माइलिंग पिंक स्टेन ऑन द इनसाइड रिम ऑफ द कप, इज व्हाट इनफ। तो हेलन फिर अपने टी का एक सिप करती है, यानी कि एक चुस्की लेती है अपनी चाय की, और जो लिपस्टिक उसके पिंक पिंक लिपस्टिक लग रखी होती है वो कप के रिम पर यानी कि कप के गोल गोल किनारों पर लग जाती है, और तभी वो पूछती है कि क्या इनफ है। द सूप इन द पैंस, तो वो बोलता है कि जो पैंस के अंदर सूप है वो, इज़ इट इनफ फूड फॉर मिसिस क्रॉफ्ट, ये मिसिस क्रॉफ्ट के लिए इतना फूड इनफ है। शी वॉन्ट इट एनीथिंग एल्स, शी स्टॉप्ड ईटिंग सॉलिड्स आफ्टर शी टर्न्ड 100। तो अब बताती हैं हेलन कि वो और कुछ भी नहीं खाती, जब उनकी एज 100 साल हुई उसके बाद उन्होंने जो हार्ड चीज़ें हैं वो खाना छोड़ दिया। दैट वॉज लेट सी 3 years अगो, और कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है, 3 साल ही हुए हैं, यानी कि हमें पता चली एक और बात कि हेलन की माँ मिसिस क्रॉफ्ट की एज कितनी है 103 years, और हेलन की एज है 68 years। आई वॉज मोटिफाइड, आई हैड एज्यूम्ड मिसिस क्रॉफ्ट वॉज इन हर 80s, परहैप्स एज ओल्ड एज 90। अब मैं क्या हुआ, एकदम से अपमानित सा महसूस करने लगा, यानी कि एकदम से मेरे को अजीब सा लगने लग गया कि यार मिसिस क्रॉफ्ट 80s का सोच रहा था मैं, तो इन्हें 80s के आसपास होंगी या हद मार के 90s के आसपास, इन्होंने तो यार 100 को पार कर लिया। आई हैव नेवर नोन अ पर्सन हु हैड लिव्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी, और फिर वो बोलता है कि मैंने आज तक ऐसे पर्सन को नहीं देखा जिन्होंने 100 साल पूरे कर लिए हों। दैट दिस पर्सन वॉज अ विडो हु लिव्ड अलोन मोटिफाइड मी फर्दर स्टिल, और ये बोलते हैं आगे नरेटर बोलते हैं कि ये पर्सन जो है ये एक विडो लेडी थी जिन्होंने क्या है पूरी तरह से मुझे अंदर से ऐसे अपमानित सा फील करवा दिया, यानी कि मुझे काफ़ी दुख होने लगा इनके लिए। इट वॉज विडोहुड दैट हैड ड्राइवन माई ओन मदर इनसेन, और ये जो विडोहुड है ये विधवापन है इसने तो यार मेरी माँ को भी पूरी तरह से पागल कर दिया था, अब ये फिर से पास्ट में जा रहा है बंदा। माई फादर हु वर्कड एज अ क्लर्क एट द जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कैलकटा डाइड ऑफ एंसीफेलिटिस वेन आई वॉज 16। अब आगे ये बताते हैं कि मेरे पिताजी जो है जनरल पोस्ट ऑफिस कैलकटा के अंदर एक क्लर्क थे जिन्हें क्या है जब मैं 16 साल का था तब उन्हें किसी सिर की बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। माई मदर रिफ्यूज टू एडजस्ट ऑफ लाइफ विदाउट हिम, और मेरी माँ ने उनके बिना लाइफ जीने से मना कर दिया, इनकी वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई। इंस्टीड शी सैंक डीपर इनटू अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस फ्रॉम विच नाइदर आई नॉर माई ब्रदर नॉर कंसर्न्ड रिलेटिव्स नॉन साइकेट्रिस्ट क्लिनिक्स और राजबिहारी अवेन्यू कुड सेवर, और वो इतने गहरे सपने में चली गई थी, इतना डीप सपने में चली गई थी, डूब गई थी कि ना ही मैं ना ही मेरा भाई ना ही हमारे रिलेटिव्स ना ही कोई साइकेट्रिस्ट क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट
ना ही कोई राजबिहारी एवेन्यू के लोग, कोई भी उन्हें बचा नहीं पाए इस चीज़ से। वट पेंड मी मोस्ट वॉज टू सी हर सो अनगार्डेड, और जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी थी वो क्या था, उन्हें इस तरह अचेत पड़ा देखकर, उन्हें इस तरह तड़पता हुआ देखकर। टू हीप हर बर्ब आफ्टर मील्स ऑफ और एक्सपेल गैस इन फ्रंट ऑफ कंपनी विदाउट द स्लाइटेस्ट एम्बेरसमेंट। और तब हमने ये फील किया था कि जब भी कोई आसपास बैठा होता था तब भी उन्हें ऐसा फील नहीं होता था कि कभी खाना खाकर वो डकार मार देती थी, कभी अपनी गैस को पास कर देती थी, और हल्की सी भी उन्हें एम्बेरसमेंट नहीं होती थी इस चीज़ की कि, यानी कि उनसे जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो सारे खत्म हो चुके थे। आफ्टर माई फादर्स डेथ माई ब्रदर अबैंडन्ड हिज स्कूलिंग एंड बिगन टू वर्क इन द जूट मिल ही वुड इवेंचुअली मैनेज इन ऑर्डर टू कीप द हाउस होल्ड रनिंग। अब मेरे पिताजी की डेथ के बाद मेरे बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जूट मिल में काम करने लग गया ताकि वो किसी ना किसी तरह हमारे घर के खर्चों को संभाल सके। एंड सो इट वॉज माई जॉब टू सीट बाय माई मदर्स फीट एंड स्टडी फॉर माई एग्जाम्स एज शी काउंटेड एंड री काउंटेड द ब्रेसलेट्स ऑन हर आर्म एज इफ देवर द बीट्स ऑफ एन अबेकस। और तब क्या होता था कि मेरी ड्यूटी थी कि मैं अपनी माँ के पास बैठूँ, उनका ख्याल भी रखूँ और साथ साथ अपने एग्जाम्स की पढ़ाई भी करूँ अच्छे से। और तब क्या करती थी, वो काउंट करती रहती थी, रही काउंट करती रहती थी ब्रेसलेट्स को, अपनी जो बाजू पर ब्रेसलेट टंगे होते थे उन्हें काउंट करती रहती थी, और इस तरह काउंट करती थी कि जैसे वो अबेकस की कोई बीट्स हों, अबेकस की कोई मणके हों। अब अबेकस क्या चीज़ है, अबेकस मान लीजिए कि ये एक कोई चौरस सा बॉक्स है, सो ये एक चौरस सा बॉक्स है मान लीजिए, और यहाँ पर इसमें कुछ लाइनिंग्स हैं, यानी कि कुछ तारें सी मान लीजिए बनी हुई हैं, और उन पर कुछ ना कुछ क्या है, मोती टंग रखे हैं जैसे। अब आप सपोज कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गिटार है, गिटार की तारें होती हैं, उनके अंदर मोती डाल दिए जाएँ। सिर्फ आप गिटार की तारों को सपोज कीजिए और उसके अंदर जो मोती हैं उनको सपोज कीजिए, तो जब जब आप उन्हें इस तरह से दबाएंगे उन मोतियों को, तो वो आपस में टकराकर कुछ आवाज़ करेंगे, तो वो होते हैं बीट्स ऑफ एन अबेकस। इसे आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे जाएंगी। सो वी ट्राइव टू कीप एन आई ऑन हर वंस शी हैड वंडर्ड हाफ नेकेड टू द ट्रैम डेपो बिफोर वी वर एबल टू ब्रिंग हर इनसाइड अगेन। और तब हमें उन्हें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता था, उन पर नज़र रखनी पड़ती थी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वो ट्रैम क्या होता है, ट्रैम जो बस डिपो हम कह सकते हैं, बस अड्डा कह सकते हैं हम जिसे, ट्रैम डिपो यानी कि बस अड्डा कह सकते हैं हम, तो बस अड्डे के आसपास वो पहुंच गई थी हाफ नेकेड यानी कि आधे बिने कपड़ों के, और किसी ना किसी तरह हम मुश्किल से उन्हें वापस घर पर ला सके थे इस चीज़ से। आई एम हैप्पी टू वॉर्म मिसिस क्रॉफ्ट सूप इन द इवनिंग्स। अब तब मुझे क्या है, इवनिंग्स में मिसिस क्रॉफ्ट के लिए सूप गर्म करना अच्छा लगता था। आई सुजेस्टेड रिमूविंग द टी बैग्स फ्रॉम माई कप एंड स्क्वीजिंग आउट द लिक्विड, इट इज़ नॉट रबल। और तब मैं उनके लिए सूप गर्म करता था, उसके अलावा मैं अपने कप का टी बैग था उसे क्या है बाहर निकाल कर उसे स्क्वीज करता था, यानी कि लिक्विड के अंदर उसे निचोड़ देता था, जो मेरी चाय है उस चाय के अंदर मैं टी बैग को अच्छे से निचोड़ देता था, और इसमें मुझे कोई भी ऐसे अजीब सा फील नहीं होता था। Helen looked at her watch, stood up and poured the rest of her tea into the sink. अब हेलन ने ये चीज़ देखी, अच्छे से देखी, फिर वो खड़ी हुई और जो बाकी की चाय थी उनकी वो क्या है उन्होंने सिंक में पलट दी। I wouldn't if I were you. अब उनकी माता जी ये बात बोलती हैं कि मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे ना करती, that's the sort of thing that would kill her altogether. और इसी तरह की बातों की वजह से उनकी आपस में थोड़ी कम बनती थी। That evening, well, when Helen gone back to Arlington and Mrs. Croft and I were alone again, I began to worry. Now that I knew how very old she was, I worried that sometimes would happen to her in the middle of the night or when I was out during the day. अब शाम हो चुकी थी, उस शाम को हेलन भी जा चुकी थी वापस अर्लिंगटन, और मिसेस क्रॉफ्ट और मैं घर पर वापस अकेले हो चुके थे। तब मुझे क्या है कुछ बेचैनी सी होने लगी थी कि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हैं, और मैं उनके लिए फिर चिंता करने लग गया था कि कहीं बीच रात में उन्हें कुछ ना हो जाए या फिर जब मैं घर पर ना हूँ दिन में तब उन्हें कुछ ना हो जाए। एज वाइग्रस एज हर वॉइस वॉज एंड इम्पीरियस एज शी सीम्ड, आई न्यू दैट इवन अ स्क्रैच और अ कफ कुड किल अ पर्सन दैट ओल्ड।
अब वो जितनी वाइग्रस थी, या फिर हम कह सकते हैं वाइग्रस को तो अलग रह सकते हैं, फुर्तीला या जल्दी से करने वाला, यानी कि जितनी जल्दी से वो कुछ करती थी या फिर उनकी आवाज़ जितनी जल्दी से आती थी, तेज़ी से आती थी, और फिर उसके अलावा जितनी वो इम्पीरियस थी, यानी कि जितनी वो आज्ञात्मक थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो दबंग टाइप में रहती थी, एकदम से गुस्से में। तो इस तरह के लोगों में ये चीज़ भी देखने को मिल जाती है कि उन्हें पता नहीं लगता किसी कफ से भी या फिर नॉर्मल किसी स्क्रैच से, यानी कि खारिश वगैरह से ही उनकी डेथ हो सकती है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। ईच डे शी लिव्ड आई न्यू वॉज समथिंग ऑफ अ मिरेकल, और हर एक दिन जिस दिन वो जी रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि आज तो कोई चमत्कार है, आज भी ये जी रही हैं। ऑल दो हेलन हैड सीम्ड फ्रेंडली इनफ, अ स्मॉल पार्ट ऑफ मी वरीड दैट शी माइट एक्यूज मी ऑफ नेग्लिजेंस इफ एनीथिंग वर टू हैपन। हालांकि जो हेलन है वो देखने में तो अच्छी लग रही थी, फ्रेंडली भी काफ़ी लगी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक चीज़ ज़रूर आ रही थी कि अगर इन्हें कुछ हो गया और मेरे पर हेलन ने नेग्लिजेंस का, यानी कि लापरवाही का आरोप लगा दिया, तो मैं क्या करूँगा। हेलन डिडंट सीम वरीड, हालांकि हेलन इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करती है। शी केम एंड वेंट, वो आती है फिर चली जाती है, ब्रिंगिंग सूप्स फॉर मिसेस क्रॉफ्ट, मिसेस क्रॉफ्ट के लिए सूप बनाती है, और फिर हर एक संडे, मतलब हर एक संडे की संडे वो आती है। इन दिस मैनर द 6 वीक्स ऑफ द समर पास्ट, अब इस तरह से 6 हफ्ते बीत गए हमारे, और 6 हफ्ते का समय आपको याद होगा पहले की 6 हफ्ते तक उसकी वाइफ जो है माला उसके पास नहीं आ सकती थी, नरेटर के पास। आई केम होम ईच इवनिंग, अब हर एक शाम को मैं घर आता था आफ्टर माई आवर्स एट द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी से अपना काम वगैरह निपटा के, और कुछ क्षण जो है मैं पियानो के पास मिसेस क्रॉफ्ट के पास बैठ कर बिताता था। आई गेव हर अ बिट ऑफ माई कंपनी एंड एश्योर्ड हर दैट आई हैड चेक द लॉक एंड टोल्ड हर दैट द फ्लैग ऑन द मून वॉज स्प्लेंडिड, और फिर मैं उन्हें कंपनी देता था, उन्हें एश्योर करता था, उन्हें आश्वासन दिलाता था कि मैंने लॉक चेक कर लिया है, और उन्हें यह भी बोलता था कि चांद पर जो फ्लैग है अमेरिका का वो भी स्प्लेंडेड है, शानदार है। सम इवनिंग्स आई सैट बिसाइड हर लॉन्ग आफ्टर शी हैड ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और कई बार तो क्या होता था उनके सोने के बाद तक भी मैं वहां पर बैठा रहता था। स्टिल इन ऑफ हाउ मैनी ईयर्स शी हैड स्पेंट ऑन दिस अर्थ, और ये चीज मेरे को काफी ज्यादा मतलब भय में डालकर रखती थी कि यार ये कितनी ज्यादा उम्र जी ली है इन्होंने अर्थ पर, कैसे जी रही है ये। एट टाइम्स आई ट्राई टू पिक्चर द वर्ल्ड शी हैड बीन बॉर्न इन टू, और तब मैं उन इमेजिन करने लग जाता था जब वो पैदा हुई थी उस समय से लेकर, यानी कि 1866 में। अब 1866 इसको कैसे याद आया कि हमने पढ़ा था 1969 में जब बात चल रही थी तब इनकी एज थी 103, तो अगर 1969 में से 103 माइनस करेंगे तो इनकी एज जो बर्थ ईयर आ जाएगा 1866। अ वर्ल्ड आई इमेजिन, तब मैंने एक दुनिया सी इमेजिन करने लग गया। फिल्ड विद वुमेन इन लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट्स एंड चेस्ट कन्वर्जेशन इन द पार्लर, और तब मैं उनकी कन्वर्जेशन जो बैठक में होती थी या फिर ब्लैक स्कर्ट में वो कैसी दिखती होंगी उस समय में, वैसे मैं सपोज करने लग गया उन्हें। नाउ व्हेन आई लुक्ड एट हर हैंड्स विद द स्वॉलन नकल्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप, और जब भी अब मैं उनके हाथ जो हैं उनकी लैप में रखे हुए इतने सूजे सूजे से देखता हूँ, आई इमेजिन देम स्मूथ एंड स्लिम, तब मैं इमेजिन करता हूँ कि ये जवानी में कितने स्मूथ और स्लिम रहे होंगे, स्ट्राइकिंग द पियानो कीज, और जब ये पियानो को बजाते होंगे तब भी कितने अच्छे लगते होंगे। At times I came downstairs before and going to sleep to make sure that she was sitting upright on the bench or was safe in her bedroom. और हर एक शाम को क्या होता था, मैं नीचे आता था, चेक करता था कि क्या वो सो गई हैं अपने रूम में, सही से सो रही हैं या फिर बेंच पर आराम से बैठी हैं या नहीं। On Fridays I made sure to put the rent in her hands. और हर एक फ्राइडे को मैं जो रेंट था वो हमेशा उनके हाथ में देता था। There was nothing I could do for her beyond these simple gestures. और इन सिंपल सी गेस्टर्स के अलावा मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। आई वॉज नॉट हर सन एंड अपार्ट फ्रॉम दोज $8 आई ओड हर नथिंग, और ना ही मैं उनका बेटा था और इन $8 के अलावा मेरे पास उन्हें देने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था। एट द एंड ऑफ अगस्त मालाज पासपोर्ट एंड ग्रीन कार्ड वर रेडी, अब 6 हफ्ते बीत गए, अगस्त आ गया और माला का पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड जो था वो रेडी हो गया। आई रिसीव अ टेलीग्राम विद हर फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, माई ब्रदर्स हाउस इन कैलकटा हैड नो टेलीफोन, और तब वहाँ से मुझे क्या है एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम क्यों आया, अब ये टेलीग्राम आप ऐसे मत समझिएगा जो आजकल हम फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं टेलीग्राम, टेलीग्राम को पत्र कहा जाता है। तो तब मेरे पास एक पत्र आया, पत्र क्यों आया, क्योंकि तब मेरे ब्रदर के घर में कैलकटा में टेलीफोन नहीं था। अराउंड दैट टाइम आई ऑल्सो रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर, और उस समय मुझे भी उनसे एक लेटर रिसीव हुआ, रिटन ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर वी हैड पार्टेड, और ये कब से लिखना शुरू किया गया था, जब हम अलग हुए थे शादी के बाद, उसके बाद से। देयर वर नो सैल्यूटेशन, उसमें कोई भी सैल्यूटेशन नहीं था, यानी कि कोई भी अभिवादन नहीं किया गया था। एड्रेसिंग मी बाय
name would have assumed an intimacy we had not yet discovered. और ये जो नेम अकेला नेम लिखा हुआ था उसके पहले कोई सैल्यूटेशन नहीं था, ये चीज़ दिखा रहा था कि वो एज्यूम कर रही है कि इंटीमेसी को. अब इंटीमेसी क्या होता है? इंटीमेसी आप मान सकते हैं निकट संबंध को. तो वो कहती है कि हमने इतने भी, वो कहता है नरेटर कि हमने इतने भी निकट संबंध नहीं बनाए थे, लेकिन वो ऐसे सपोज कर रही थी मेरी वाइफ कि वो काफ़ी निकट है मेरे. इट कंटेंट ओनली अ फ्यू लाइन्स. अब इस लेटर में कुछ ही लाइन्स लिखी हुई थी. आई राइट इन इंग्लिश इन प्रिपरेशन फॉर द जर्नी. अब उसमें क्या लिखा होता कि मैं जर्नी के लिए इंग्लिश बोलने की तैयारी कर रही हूँ. हेयर आई एम वेरी मच लोनली. यहाँ पर मैं बहुत अकेली सी हूँ. इज इट वेरी कोल्ड देयर. क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है? इज देयर स्नो. क्या वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है? यूएस माला, आपकी माला. तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे इस खेल को, यानी कि इस चैप्टर को. आगे की वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी होगी ये वाली भी. तो थर्ड पार्ट में इसको किसी ना किसी तरह ही कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से देखिए. डिस्क्रिप्शन में वर्ड मीनिंग और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट 11th क्लास की जो है उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.